शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। 10 मिनट के अंदर अंदर माल समेत तुम यहाँ पर पहुँचो। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर फख्र है। अखबार वालों ने किस कदर पुलिस का मजाक उड़ाया है। दुलतियाँ घोड़ियों से खाई, नाम घोड़ों का बदनाम कर रहे हो। भगवान मेरे बच्चे को बचा लो भगवान। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखो। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेशन वार्ड में ले जाओ। यस सर। डॉक्टर साहब मुबारक हो, आपके बेटे का ऑपरेशन कामयाब हो गया। शुक्र है भगवान का। हमारे भगवान तो तुम ही हो बेटे। ये क्या कर रही हो माँ जी, मैं तो आपके बेटे का सामान हूँ। तुम ना होते तो हमारे बुढ़ापे की लाठी टूट चुकी होती। एक ही बेटा है मेरा, उस पर से ये गरीबी। न तुमने फीस ली, न दवा के पैसे। माँ जी, मेरा डॉक्टर बनने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं हर गरीब की सेवा कर सकूं। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। आइए बैठिए। चलो। नमस्ते डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते जी। ये डॉक्टर नहीं, भगवान का अवतार है। गुड मॉर्निंग। हीरोइन का पिछला कंसाइनमेंट लंदन ठीक से पहुंच गया ना? हाँ, माल पहुंचने का सिग्नल मिल गया और स्विस बैंक में तुम्हारे अकाउंट में डॉलर्स जमा हो गए। वेरी गुड। मल्होत्रा सर, ये लाश अभी तक तैयार नहीं हुई? अभी तैयार हो जाती है सर, इसके पेट में 2 करोड़ की गर्द भर रहा हूँ। गुड। अर्जुन जी, तुम इस लाश के मामा हो जी। ये रहा इसका डेथ सर्टिफिकेट, कोई रास्ते में पूछे उसे दिखा देना जी। इसे एम्बुलेंस में डालकर भावनगर ले जाओ, वहां इसे चंद्रकांत के हवाले कर देना, वो इसे पार्टी तक पहुंचा देगा। अच्छी बात। जा मल्होत्रा जी, इस लाश को कलकत्ते भेजना है ना? हाँ साहब। तो ऐसे क्यों पड़ी है? पहला माल खत्म हो गया, दूसरा माल अभी तक पहुंचा नहीं है। अभी तक पहुंचा नहीं जी? नहीं। शाले जी, रोहित को फोन लगाओ। ओके। जल्दी करो जल्दी। हेलो, रोहित स्पीकिंग। माल अब तक क्यों नहीं पहुंचा? सर, फलों की पेटी देर से पहुंची इसलिए। व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें मालूम है कि अगर डेड बॉडी टाइम पे नहीं पहुंची तो कितना नुकसान हो जाएगा? 10 मिनट के अंदर अंदर माल समेत तुम यहाँ पर पहुंचो। ओके सर, मैं माल लेकर अभी पहुंचता हूँ। जल्दी जल्दी करो। पुलिस भागो भागो। की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और मुजरिम की जब मौत आती है तो राम सिंह का सामना हो जाता है। देखो, इस बक्से में 2 करोड़ की हीरोइन है, जिंदगी भर ऐश करोगे। ये बक्सा ले लो और मुझे जाने दो। रिश्वत? हवलदार राम सिंह को रिश्वत से उतनी ही नफरत है
जितनी भगवान को शैतान से। ये रहा जी हीरोइन से भरा हुआ बैग, और ये रहा बैग ले जाने वाला। हरामजादे, तुम जैसे कमीने लोग हमारे देश की नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं। तुम्हें तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। वेल डन राम सिंह, वेल डन। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। थैंक यू सर। अपनी जान खतरे में डाल के तुमने इसे पकड़ा है, पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर फख्र है। ये तो मेरा कर्तव्य है जनाब, ऐसे मुजरिमों को तो इसे जल्दी से ब्लू फॉक्स हॉस्पिटल में ले चलो। कम ऑन, बी क्विक। काफी बह चुका है, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका बचना बहुत जरूरी है डॉक्टर। ड्रग्स का काम करने वाले ग्रुप का ये पहला आदमी है जो पुलिस के हाथ लगा है। इसके जरिए हम पूरे गैंग को पकड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। सी यू कमिश्नर। मिस्टर अग्रवाल। यस सर। इसकी कड़ी निगरानी का बंदोबस्त किया जाए। सर, इसकी निगरानी का बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। वेल डन राम सिंह, वेल डन। आओ मेरे साथ। सब कैसे हुआ? तुम्हारे जैसे साथी के होते हुए हमारे अड्डे पे रेड पड़ी कैसे? 2 करोड़ रुपयों के माल के साथ साथ रोहित भी पकड़ा गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं यार, अड्डे की इन्फॉर्मेशन कमिश्नर साहब को डायरेक्ट मिली थी। ये रेड भी उन्होंने प्लान किया, मुझे जैसे ही पता चला मैं वहां पहुंच गया। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा इशारा समझकर रोहित ने अपने हाथ की नस काट ली, वरना अगर तुम्हारे अस्पताल की जगह वो लॉकअप में पहुंच गया होता ना तो पुलिस ने उसे सब कुछ उगलवा लिया होता। खैर अब ये बताओ कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाएं? इसका एक ही इलाज है, रोहित की मौत। इंजेक्शन दे दिया था, टेम्परेचर फिर भी कम नहीं हुआ? नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। दोनों को रूम में बंद कर दो। कैसे हो? ठीक हूं सर। आ जाओ, अबे लेट जा, पकड़ लो इसे। छोड़ दो मुझे। तुम्हें मरना ही होगा। टोनी जी, ले जाओ इसे और इसकी जल्द समाधि कर दो। कितने शर्म की बात है, इतना इंपॉर्टेंट मुजरिम जिसकी पुलिस खास तौर से निगरानी कर रही थी, कितनी आसानी से निकाल कर ले गए वो लोग। इट्स ए वेरी शेम टू द पुलिस डिपार्टमेंट। ये सब हमारे कांस्टेबल्स की लापरवाही की वजह से हुआ है सर। मैं खुद उनके साथ 12 बजे तक मौजूद था, फिर उन्हें होशियार रहने को कहकर मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए घर चला गया और उसका नतीजा इन गधों ने ये दिया। मैंने उन सबको सस्पेंड कर दिया सर। उन्हें सस्पेंड करने से वो कालिक नहीं मिट जाएगी मिस्टर अग्रवाल, जो डिपार्टमेंट के मुंह पे लगी। पढ़ा तुमने अखबार वालों ने किस कदर पुलिस का मजाक उड़ाया है? सर और अखबारों ने तो नहीं, लेकिन आपके दोस्त जनार्दन साहब ने अपने अखबार आवाज में इस खबर को कुछ ज्यादा ही उभारा है। दोस्त होने के नाते उन्हें ऐसी खबरों को नमक मिर्च लगा के छापने के बजाय दबाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आज तक तुमने जनार्दन को पहचाना ही नहीं अग्रवाल। अखबार की दुनिया में सत्य की आवाज को उठाने वाला दूसरा ऐसा कोई जर्नलिस्ट मैंने आज तक देखा ही नहीं, समझे? हेलो। हेलो माथुर भाई, मेरे पेपर पढ़ के तुम नाराज तो नहीं हो गए? अरे क्या बात करते हो जनार्दन, नाराज तो वो होगा जो तुम्हें जानता नहीं। मैं तो तुम्हारे जर्नलिज्म की कदर करने वालों में से हूँ। थैंक यू माथुर। अरे भाई तुम्हें पता चला उस मुजरिम को भगाने में किसका हाथ था, वो किस ग्रुप का आदमी था? नहीं यार, अब तक तो कोई खास बात पता नहीं चली, लेकिन घबराओ नहीं, अगर कुछ पता चला और प्रेस को बताने के काबिल समझा गया तो सबसे पहले खबर तुम्हें ही मिलेगी। ओके बाय बाय। सर टेलेक्स मैसेजेस। ये क्या? 6 cassettes of pop music dispatched. ये कैसा मैसेज है? सॉरी सर, ये सागर साहब के लिए है। कहाँ है सागर? प्रिंटिंग प्रेस में। Mm-hmm.
मेरा कान टूट जाएगा पिताजी। ये क्या? पिताजी मैंने पॉप म्यूजिक के कुछ कैसेट मंगवाए थे, उसका एक मैसेज है। बेटे जिंदगी में तुम सीरियस कब हो गए? पिताजी आपके कहने से ऑफिस भी आने लगा हूं, अब इससे ज्यादा सीरियस क्या हो? ये ऑफिस है, तुम ये कान में लगाकर यहां नाच रहे हो, इसे सीरियस होना कहते हो? सागर तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं चाहता हूं कि तुम सत्य और कर्तव्य के तराजू हाथ में लेकर एक कामयाब जर्नलिस्ट बनो, मेरे मुंह बोले बेटे राम सिंह की तरह एक जिम्मेदार इंसान बनो। ओके अरे सुनो, ये रिबन है ना, ये भी लगाओ इधर। अच्छा जी। और ये चमकती जो लड़ियां ना, ये सब ऐसे ऐसे करके लगा दो। अच्छा साहब। और सुनो वो बल्ब होते हैं ना छोटे छोटे रंग बिरंगे, बहुत सारे बल्ब लेके आओ, लड़िया लगाओ वहां पर। अच्छा साहब। बाबूजी के लिए बहुत बड़ी सी माला लाना, बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, देखे तो दंग रह जाए। राम सिंह क्या बात है बाबूजी? ये सब क्या है? ये बाबूजी आपको जिंदगी की हर बात याद रहती है, बस एक ही बात आप भूल जाते हैं, मालूम नहीं कल आपका जन्मदिन है। अरे जन्मदिन तो हर साल हम लोग आपस में मना लेते हैं, इस बार ये तैयारी किस लिए, धूमधाम क्यों? ये धूमधाम तैयारी इसलिए कि कल आपकी वो क्या है, वो प्लैटिनम जुबली है, कल आप 75 साल के हो जाएंगे। हमने शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, केक काटेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, धूमधड़ाका करेंगे, और ये सब मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। समझा तू इतना कमाने लगा है कि मेरे लिए इस तरह फिजूल खर्ची करे? क्या आप इसे फिजूल खर्ची कहते हैं? फिजूल खर्ची नहीं तो क्या? बाबू जी आपने जो कुछ मेरे लिए किया शायद सगा बाप भी नहीं कर सकता। मुझे यतीम को सड़क पर से उठाकर पढ़ाया लिखाया, पुलिस की नौकरी दिलवाई, सत्य कर्म और कर्तव्य पर चलना सिखाया, गुरु की शिक्षा दी, एक बाप का प्यार दिया, सागर के बड़े भाई का दर्जा दिया। बाबूजी अगर मुझे अपनी खुशी मनाने का अधिकार नहीं देना था तो फिर ये सब कुछ क्यों किया मेरे लिए आपने? इसका ये जवाब है, मैंने अपना कर्म किया, तू इसे एहसान समझकर उतारना चाहता है? नहीं बाबूजी, मैं तो कर्तव्य के फूलों से बाप के कर्म की पूजा करना चाहता हूँ। क्या 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 कर्तव्य के फूल, बड़ी बड़ी बातें करने लगा? अरे मैं तो तुझसे कह रहा था, अरे सागर समझाना इस गुल्लू को। अरे क्या समझाओ उनको, गलती आप कर रहे हैं, समझाओ उनको। अब भैया कितनी खुशी से आपका बर्थडे मनाने चाह रहे थे, इसमें गलत बात क्या है? इसमें गलत क्या है बात? यानी तुम दोनों के मिली भगत है? मैं वो हाँ है। अरे मैं उसके भले के लिए कह रहा था। आप भले के लिए कह के उनका दिल दुखा दिया ना आपने, वो देखिए मैंने तेरा दिल दुखा दिया है? अच्छी बात है, तेरे जो दिल में कर मैं कुछ नहीं कहूंगा बस। ओ बाबू जी ऐसे ए इधर आ, समझ गए ना? चलो अब तुम दोनों चालू हो जाओ। हाँ शाबाश। दीदी कौन? नमस्ते, मेरा नाम मीना है, मैं पड़ोस के मोहल्ले में रहती हूँ। अच्छा, मुझे पता चला है कि आप हर जरूरतमंद लड़की की मदद करती हैं, इसलिए मैं आपके पास आई। क्या मांगता है तेरे को? कल मुझे एक कंपनी में नौकरी मिली है, वहाँ के मालिक ने शर्त रखी है कि मैं उनकी रातें रंगीन करूँ वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। साला नौकरी से निकालेगा? एक काम करते हैं, कल मैं तेरी कंपनी में नौकरी के लिए आती हूँ, फिर तेरे मालिक की रातें ही नहीं सुबह दोपहर शाम अगर रंगी नहीं बनाई ना तो मेरा नाम दुर्गा नहीं है। थैंक यू दीदी, मैं सुबह आपको लेने आऊंगी। दीदी दीदी दीदी। अरे शन्नो क्या हुआ, तू पसीना पसीना क्यों हो रही? दीदी पास में जो गुंडे लोग बैठे हैं उन्होंने मेरा आना जाना मुश्किल कर दिया, मुझे आंख मारते हैं, मुझे छेड़ते हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं। अच्छा मैं उनकी गंदी गंदी बातें सुन के आती हूँ, तू यही बैठ। लड़कियों चलो मेरे साथ। फेंक गया जल्दी, क्या फेंका इसने? इस छक्के ने छक्का फेंक दिया। चल तू भी डाल। वाह वाह,
ऐसा लगता है परियां धरती पे उतर आई है। तो गुरु हो जाए हो जाए। क्या बात है, वाह वाह मजा आ गया। हाँ क्यों बे, लड़कियों के साथ बंकस करता है, घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है पर माशुका नहीं है। अच्छा तो एक काम कर, एक दूसरे की बहनों को माशुका बना ले, अपनी बहन इसको दे दे, इसकी बहन तू ले ले। सरे, बात तेज जवान चलाती है शाणे, हाथ जवान से भी तेज चलता है। उठो सालो। चल चल साले। दुर्गा दीदी जिंदाबाद, दुर्गा दीदी जिंदाबाद। ये चल चल, रुको 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 रुको, तुम्हारी दीदी का माइक आ गया, चलो उतारो, चल चल आराम से। हाँ इधरा, ये इधरा, पहचानते हो इसे? हाँ। आज से ये तुम सारों की बहन है, चलो पैर छूकर माफी मांगो, चल 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 पैर छू पैर छू, चलो खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो, अपना अपना खीसा खाली करो अभी, ये माल निकल, इतना है क्या साला? एक एक दो दो रुपया कचरा का पेटी से निकाल के लाया क्या कड़का साला? मालूम ये मेरा टैक्स है जो मैं लड़कियों से बंकस करने वाले छोकरों से लेती हूँ, क्या क्या दो दो एक एक रुपए के लिए इतना कटर पटर करते तुम लोग, कड़का पार्टी कहीं का इतना ही पैसा? ए, ए, क्या हो रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है? हवलदार राम सिंह जी आइए आइए, ये भीड़ किस बात की है इधर? कमाल है भीड़, ये तो बहनों से मिलने भाई आए हैं। हाँ बेचारे की चांद मारी कर रखी है, बहनों से भाई मिलने आए हैं, बेचारे की शक्ल बिगाड़ दी। हाँ कहाँ? पुलिस चौके, मेरा जुर्म, इनकी पिटाई, सबूत, इनकी चोटें। चोटें? ये चोटें मैंने थोड़ी ना लगाई हैं, मेरे भाइयों जरा हवलदार साहब को तो बताना तुम्हें ये चोटें कैसे लगी। वो हवलदार साहब, ऐसा हुआ ना कि हम लोग साइकिल पर डबल सवारी आ रहे थे और सामने से घोड़ा गाड़ी आ गई, घोड़े ने लात मारी और यालत हो गई हमारी। जो लत्तियां घोड़ियों से खाई, नाम घोड़ों का बदनाम कर रहे हो, क्या जमाना आ गया है। इधर आओ, आज तो तुम सबूत गोल कर गई, और जिस दिन मुझे सबूत मिल गया ना उस दिन ऐसा अंदर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। गैर कानूनी काम करने वालों के लिए मैं कसाई हूँ, कसाई। तुम बहुत अच्छे हो, तुम कसाई नहीं हो, हलवाई हूँ, तुम्हें रस मिलाई खिलाऊंगा। नेवर, आई विल पुट यू इनटू खटमल वाला लॉकअप। लेकिन होना तुम्हारे पुलिस स्टेशन में चाहिए ताकि सुबह शाम तुम्हें देख तो सकूंगी। ये बड़ी बेशर्म लड़की हो। लो जरा सा पास आ गई तो मैं बेशरम हो गई, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैंने कुछ कहा था? तुम्हारा हाथ मैंने पुलिस चौकी ले जाने के लिए पकड़ा था। घर ले जाने के लिए कब पकड़ोगे? अरे बा, ये तो ऊपर ही चढ़ती आ रही है। राम सिंह, इससे पहले के लेने के देने पड़ जाए, निकल ले यहाँ से। हट हट, टच मी नॉट माई साइकिल। अब हम लोग घर जाए। ये चल दुर्गा, दुर्गा क्या है? अस्पताल से खबर आई है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ, डॉक्टर मेरी माँ की तबीयत कैसी है? डॉक्टर सुबह तक तो तबीयत ठीक थी, लेकिन दिन में अचानक दर्द बढ़ गया, वैसे मैंने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर? इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर ये ठीक नहीं हो सकती। तो ऑपरेशन कर दो ना डॉक्टर, इस दुनिया में मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, और अगर इसे कुछ हो गया ना तो भगवान की सौगंध मैं जी नहीं सकूंगी, नहीं जी सकूंगी मैं। हिम्मत से काम लो दुर्गा,
ऑपरेशन का बंदोबस्त मैं करता हूं, तुम पैसों का इंतजाम कर लो। कितने पैसे लग जाएंगे डॉक्टर? करीब 10,000। 10,000? ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अरे चोर 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 चोर! अरे पकड़ो भाया, पकड़ो! एक छोरी मारा 10,000 रुपया लेके भाग रही है। अरे पकड़ो, चोर चोर चोर! अरे चोर, अरे चोर चोर! अरे भाया, वारी दुर्गा, आज नहीं छोड़ूंगा। कहाँ भाग रही है चोरी करके? छोड़ना नहीं। पहले तो दादागिरी करती थी, अब चोरी भी शुरू कर दी। अरे छोड़, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। हाँ हवलदार साहब, ये झूठ बोले हैं, पगड़ी उतार के ये जबरदस्ती से मारो 10,000 रुपये छीन के निकले हैं। ये झूठ बोलता है, मैंने कुछ छीना वीना नहीं है, मैंने ये रुपए उधार लिए। तो कोई रिजर्व बैंक है पगड़ी उतार के जो मैं इसको 10,000 रुपये उधार दे दूंगा? देखो हवलदार साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 10,000 की जरूरत थी। मैंने इससे उधार मांगे, इससे मुझे दिए नहीं तो मैंने छीन लिए। तो तुम मानती हो कि तुमने इससे रुपए छीने? हाँ मानती हूँ रुपए छीने, लेकिन हवलदार साहब जल्द से जल्द मैं ये रुपए से वापस लौटा दूंगी। अच्छा? हाँ। जी डाका मार के लौटा दोगी? चलाओ थाने। अरे चलो साहब, मेरी बात चल। चंदू जी साहब, सेठ की रिपोर्ट लिखो। अच्छा साहब, और ये रुपए जमा करो। अच्छा साहब, और तुम चलो अंदर। हवलदार साहब मेरी बात तो सुनिए, मेरी माँ सचमुच बहुत बीमार है, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो कूपर हॉस्पिटल में देख लीजिए। अरे तू अंदर चल, दो अंदर रहेगी तो सब बाल निकल जाएंगे, बंद करो। हवलदार राम सिंह, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो माँ की कसम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हर जुर्म करने वाला यही बोलता है जो तुम बोल रही हो, बंद कर दो, करो बंद।